हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ओवर क्यूबॉइड। यानी अगर हमें क्यूबॉइड गिवन है तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड की शेप देखते हैं पहले क्या होती है। क्यूबॉइड एक थ्री डी शेप एंड थ्री डायमेंशनल शेप होती है। जैसे ये हमारी क्यूबॉइड है। हम अगर इसे सरफेस एरिया की बात करते हैं, मींस हम इसके फेसेस के एरिया की बात कर रहे हैं। जो ये क्यूबॉइड है इसमें सिक्स फेसेस होते हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक फ्रंट में, एक बैक वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। टोटल फेसेस होते हैं सिक्स। और जो फेसेस की शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल। क्यूबॉइड में जो उसके फेसेस होते हैं उनकी शेप होती है रेक्टेंगल। और अगर हम क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात करते हैं, मींस हम उसके फेसेस के एरिया की बात करते हैं, जब हम इसके सिक्स फेसेस का एरिया निकाल के उसको सम कर देंगे तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अगर इसमें जो ये लेंथ है इसको हम एल से डिनोट करें, ये जो ब्रेड्थ है इसको हम बी से डिनोट करें, और जो ये हमारी हाइट है इसको हम एच से डिनोट करें। तो अब अगर हम इसके फेसेस का एरिया निकालें तो ये वाला जो फेसेस है जिसमें ब्रेड्थ है और हाइट है, तो इसका एरिया क्या निकलेगा? एरिया ऑफ वन फेस, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ है वो बी और जो लेंथ है वो एच, यानी एच इंटू बी। अब क्योंकि ये वाला एरिया और इसके अपोजिट जो ये लेफ्ट साइड में एरिया है, यानी इस फेस का जो एरिया है, दोनों इक्वल होंगे, यानी टू टाइम ऑफ एच बी, ये दो फेसेस का एरिया निकल गया। ऐसे अगर जब हम सामने वाले फेस के एरिया की बात करेंगे और जो पीछे वाला एरिया होगा, फेस का एरिया होगा, वो दोनों सेम होंगे, और इसमें हमारी लेंथ है एल और ब्रेड्थ है हमारी एच, तो इसका एरिया होगा एरिया ऑफ अनदर टू फेसेस लेंथ है और हाइट है एल इंटू एच। अब ये नीचे वाला, ये वाला जो फेस है हमारा ये, और जो ये ऊपर वाला फेस है, जब अब हम इसका एरिया निकालेंगे, इसमें हमारे पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो अब इनका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अनदर टू फेसेस इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ, इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है हमारे पास, इसमें भी सेम होगी, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, इसलिए दोनों का इक्वल होगा। तो टू टाइम इसका होगा जो हमने इसका निकाला, इसमें हाइट और ब्रेड्थ थी, टू टाइम इसका होगा जिसमें हमारे पास लेंथ और हाइट है, और टू टाइम इसका होगा जिसमें हमारे पास ब्रेड्थ और लेंथ है। जब हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मिल जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर देंगे, टू बाहर आ जाएगा, एच बी प्लस एल एच प्लस एल बी, और इसमें जब यूनिट यूज़ करते हैं तो हम स्क्वेयर यूज़ करते हैं। तो ये था एरिया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर इसी क्यूबॉइड में हमें कुछ फिल करना है तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालते हैं, और इसकी वॉल्यूम होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसकी जो यूनिट आएगी वो होगी क्यूब। तो ये है सरफेस एरिया क्यूबॉइड का और ये है वॉल्यूम। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।